दिन भर के प्रायोजक हैं होटल फाइव सेंसेस, एक एक टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं पूजा वर्मा। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रदेश में हाई अलर्ट के बाद महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर हुई चाक चौबंद। सपा प्रत्याशी काजल निषाद ने मेयर पद के लिए किया नामांकन, कहा करेंगे चौमुखी विकास। प्रदेश में हाई अलर्ट, एसपी सिटी के नेतृत्व में पुलिस के जवानों ने पैदल गश्त कर लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नामांकन प्रक्रिया को सकुशल कराया जा रहा संपन्न। एडीएम सिटी ने दी जानकारी, कहा सोशल साइटों पर अफवाह फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्यवाही। और रविवार को भी बड़ी संख्या में नगर निकाय चुनाव में पार्षद पद के प्रत्याशियों ने किया नामांकन। माफिया बंधुओं की हत्या के बाद प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित करने के साथ ही सभी प्रमुख मंदिरों व मठों पर सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद कर दी गई है। इसी क्रम में महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मेटल डिटेक्टर व स्कैनर के माध्यम से सुरक्षा जांच के बाद ही मंदिर परिसर में प्रवेश कराया जा रहा है। वहीं बंकरों में जवानों को भी तैनात किया गया है। अब पीटीसी मारता जो डिस्टर्ब होता बोल देने गुस्सा चल गया। देखिए खराब पोजीशन वाला तो नहीं गया, खराब पोजीशन वाला देश की। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीएम सिटी विनित कुमार सिंह ने बताया, अभी जिस प्रकार की घटना कुछ हुई है कल प्रयागराज में, उसको लेकर पुलिस प्रशासन को सतर्क किया गया है और पूरे जिले में मजिस्ट्रेट और पुलिस लगातार भ्रमणशील होकर कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित हो, इसको लेकर पूरी तरह से सतर्क है और हर जगह पे, सभी जगह पे पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है। क्या निर्देश दिए गए हैं सर? निर्देश यही है कि किसी प्रकार को कानून और व्यवस्था को किसी भी व्यक्ति को तो अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है और यदि उनको कोई बात कहनी है तो उसको निर्धारित फोरम पर आके पुलिस प्रशासन से मिलकर कह सकते हैं, बाकी उनको अपने जनजीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सर धार्मिक स्थलों की बढ़ाई हुई सुरक्षा? धार्मिक स्थलों को बेसिकली इस वजह से बढ़ाया जाता है कि इस तरह के कुछ गैर सामाजिक तत्व इनको टारगेट करके लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसको लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है। नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर नगर निगम मेयर पद के लिए सपा से काजल निषाद को प्रत्याशी बनाया है। रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार स्थित एडीएम वित्त के कार्यालय में नामांकन करने पहुंची काजल निषाद में
जीत का दावा करते हुए शहर का चौमुखी विकास का वादा किया है। इस मौके पर सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अवधेश यादव, रूपावती बेलदार सहित बड़ी संख्या में सपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सपा नगर मेयर प्रत्याशी काजल निषाद ने बताया, जनता रखवाली करके परेशान है, तो सबसे पहले इनका कोई निदान निकले कि मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगी और उनसे निवेदन करूंगी कि मुख्यमंत्री जी ऐसी कोई एक ज़मीन दे दी जाए जहां ऐसे मवेशी ऐसे जानवरों को सुरक्षित रखा जाए, वो भी सुरक्षित रहे और बाहर जनता भी सुरक्षित रहे। दूसरी बात कि गोरखपुर में ज़रा सी बारिश आती है तो पूरा जो है इतना लबालब पानी हो जाता है कि नौकायान जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यही सब नौकायान का आनंद लेते हैं, तो उससे आवागमन जो है वो प्रभावित होता है, आम जन प्रभावित होते हैं। उसका एक निदान निकलना चाहिए कि बारिश के पूर्व जो है नालियों की साफ़ सफाई, ड्रेनेज की जो व्यवस्था है वो ठीक है कि नहीं, ये सारी व्यवस्था जो नगर निगम के अधिकार में आती है ये लोग करते हैं नहीं, इसलिए जनता परेशान है। और इस बार जो है माननीय जनतागण ने, सम्मानित जनतागण ने मुझे चुना, मैं मेयर बनी, तो ये सारी चीज़ों पे सही से और ईमानदारी से कार्य होंगे ताकि कह सके कि हाँ अब गोरखपुर जो है वो सौंदर्यकरण उनका किया जा सकता है। माफिया बंधुओं के मर्डर के बाद प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, ऐसे में जनपद पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। भारी पुलिस बल के जवानों के साथ पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण विश्नोई ने शहर के भीड़भाड़ व संवेदनशील क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। इस मौके पर SP अंडर ट्रेनी आदित्य कुमार सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान मौजूद रहे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण विश्नोई ने बताया, कल प्रयागराज में हुए इंसिडेंट को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा हाई अलर्ट पर है, सभी जगह बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही है और एक्स्ट्रा फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी किया गया है, PAC एवं पुलिस लाइन के रिजर्व को भी डिप्लॉय किया गया है एवं समस्त जगहों पर बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही है। लेकिन गोरखपुर की अमन चैन पसंद जनता, ना पूर्व में इस किसी प्रकार का यहाँ कोई इंसिडेंट हुआ है, ना ही भविष्य में इस तरह का कोई इंसिडेंट होगा, इस प्रकार का आश्वासन यहाँ के लोगों ने भी दिया है और विभिन्न धर्मगुरुओं और सभी से बातचीत भी की गई है, किसी प्रकार का कोई ऐसी घटना या कोई अफवाह या इस तरह का कोई कहीं पे भी नहीं फैलाई जा रही है। और लोगों को आपके माध्यम से बताना भी चाहते हूँ, किसी प्रकार की अफवाह पर विश्वास ना करें, और कोई भी अफवाह फैलाता है तो ज़रूर इस बात की संज्ञान है, वो पुलिस की जरूर मंदिर की सुरक्षा के लिए आउटर पेरिफेरी पर एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी बढ़ाते हुए वहाँ पे बैरियर वगैरह लगाए गए और चेकिंग भी की जा रही है। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह, हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना,
हमारे यहाँ उपलब्ध है। जर्मन हैंगर वाले पांडा, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009993559081। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा, आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय, मैं विशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। मैं हूँ दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर वन चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, हाय मनमीत विद मी ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिन भर। नगर निकाय चुनाव में नामांकन प्रतिक्रिया को लेकर जहां प्रत्याशियों और समर्थकों में उत्साह व्याप्त है, वहीं नामांकन कक्ष व आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। यूपी में हाई अलर्ट के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद किया गया है। चाहे तो साफा वाफा बांध के ही इससे धूप न लगे। हम लोग देखते हैं दिन भर खड़े रहते हैं मंदिर में भी समय साफ, लेकिन मैं नए बच्चों को देखता हूँ। और पीछे यूनिवर्सिटी आपके पास नहीं है? अभी है हाँ, आइए महापौर वाले में आगे। हाँ भाई आइए, तो इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कोतवाली जगत कन्नौजिया ने बताया, आज नामांकन का दो दिन से रहेगा नामांकन में, और जो हमारे यहाँ पहले से ड्यूटी चली आ रही है भारी मात्रा में फोर्स सुरक्षा में तैनात है और सकुशल हम लोग नामांकन संपन्न कराएंगे। कितनी फोर्स लगाएंगे? फोर्स करीब हमारे दो इंस्पेक्टर, तो एक कोतवाली और कैंट, इसके अलावा दो इंस्पेक्टर और लगे हुए हैं। करीब 40 की संख्या में हमारे सब इंस्पेक्टर सिपाही सब लगे हुए हैं, उन्हीं की देखरेख में सुरक्षा के बीच संपन्न कराया जाएगा। प्रदेश में हाई अलर्ट की घोषणा के साथ ही साइबर सेल की टीम विभिन्न सोशल साइटों पर निगरानी बनाए हुए है। बता दें कि सोशल साइट के माध्यम से लोग तरह तरह की अफवाहों को हवा देने का काम कर रहे हैं, ऐसे में उन अफवाहों पर और अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई सुनिश्चित हो सके, इसके लिए सभी को अलर्ट किया गया है।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने बताया, हम लोगों के द्वारा साइबर क्राइम को लेकर और सोशल मीडिया पर भी सतर्क निगरानी रखी जा रही है और जो भी इस तरह के गतिविधियों में लिप्त होंगे या कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे उनको कठोर कार्रवाई की जाएगी, उनके विरुद्ध कानूनी धाराओं में कठोरतम कार्रवाई होगी। सर, शहर में क्या कोई एक साथ कितने लोग खड़े नहीं हो सकते? धारा 144 में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के अनलॉफुल असेंबली पर रोक होती है। नगर निकाय चुनाव में रविवार को बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। बता दें कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के क्रम में प्रत्याशियों का नामांकन सकुशल सम्पन्न कराया गया। वहीं प्रत्याशियों ने नामांकन करने के बाद अपनी जीत को सुनिश्चित बताते हुए अपने वार्ड के चौमुखी विकास की बात कही। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए प्रत्याशी आनंद कुमार साहनी, करण साहनी, शशांक सोनकर व रंजुला रावत ने बताया, मुद्दा यही है कि मैं जो जो भी काम अधूरा है उसको हम पूरा करेंगे, चाहे नाली हुआ चाहे सड़क हुआ, बहुत ऐसे चीजें हैं जो काम नहीं हो पाया है, अगर हम मैं पार्षद हो जाऊंगा तो अपने गांव समाज का सेवा करूंगा। क्या कुछ काम बाकी रह गया जो पूरा करेंगे आप? वहाँ के जैसे सफाई कर्मी नहीं आते हैं, वहाँ पर नाली भी भटपटा रहता है, कोई देखने नहीं आता है उसको लेकर के, काफ़ी पिछड़ा हुआ है पूरे 80 वार्ड में, मेरा वार्ड में बहुत पिछड़ा हुआ है, खाली विकास के काम के लिए रोड नाली कुछ भी नहीं है, न लाइट की समस्या, सब चीज़ बनी हुई है, यही जनता के बीच में विकास का मुद्दा लेकर जाना है, बस आगे जनता की मर्जी है। पहली बार चुनाव लड़े? नहीं नहीं, पाँचवीं बार है। पाँचवीं बार है, मतलब जीत हुई कुछ में? नहीं नहीं, जीत नहीं, काफ़ी कम अंतरों से जो है निर्दल में लड़ता रहा, इस बार देखिए बीजेपी का सहारा है, टिकट देती है। क्या ऐसा काम जो है जो बाकी रहो या अगर जीतते हैं तो पूरा करेंगे? कोई काम बचेगा नहीं, जहाँ तक कोशिश है, माननीय योगी जी का विधानसभा है, सारे काम जो है सुचारू रूप से होगी, इसलिए हमें विश्वास है कि सारे विकास के काम पूरे। देखिए हमारा वार्ड जो है कि बहुत ही पिछड़ा हुआ वार्ड है, जिसमें रोड बिजली सड़क से जितनी मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर वहाँ से जो जनता है वो वंचित हैं अभी, क्योंकि वहाँ पे भाजपा का कभी जो भी है प्रत्याशी कभी जीता नहीं है, तो मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को जिताया जाए पूर्वों से और वार्ड का विकास किया जाए। जनता के बीच जाएंगे, क्या मुद्दा लेके जाएंगे? ये मुद्दा मेरा रहेगा कि उनको बेहतर सुविधाएँ देना, रोड का, नाली का, वहाँ पे वाटर लॉगिंग की बहुत समस्या है, उसे निजात दिलाना। क्या काम बाकी हो जो पूरा नहीं हुआ वो पूरा करेंगे? देखिए मैंने जैसे आपको पहले ही बोला कि वहाँ पे बहुत ही अभी पिछड़ा हुआ वार्ड है, जहाँ पे विकास कार्य नहीं हुए हैं, तो वहाँ पे बहुत से काम करने हैं। सबका साथ सबका विकास करना है, हमें जनता के बीच में लोगों की सुख दुख की भागीदारी बननी है और हमें जीत के जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की झोली में जो है जीत की जो है बधाई दे देनी है जो है। दिन भर में बस इतना ही, आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रदेश में हाई अलर्ट के बाद महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर हुई चाक चौबंद। सपा प्रत्याशी काजल निषाद ने मेयर पद के लिए किया नामांकन, कहा करेंगे चौमुखी विकास। प्रदेश में हाई अलर्ट, एसपी सिटी के नेतृत्व में पुलिस के जवानों ने पैदल गश्त कर लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नामांकन प्रक्रिया को सकुशल कराया जा रहा संपन्न। एडीएम सिटी ने दी जानकारी, कहा सोशल साइटों पर अफवाह फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्यवाही। और
रविवार को भी बड़ी संख्या में नगर निकाय चुनाव में पार्षद पद के प्रत्याशियों ने किया नामांकन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साई प्रणाम।